जी ये एक लिस्ट है, आपने ये याद कर लेनी है, ये नहीं आपने की तो फिर आप लोगों के नंबर नहीं आने। एकेडमी में थोड़ी इजी लेवल की पढ़ाई थी तो मुझे था किसी तरह का पेपर आएगा, लेकिन उसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था। सबसे ज्यादा रीडिंग करते हुए प्रॉब्लम आई थी वो ये थी कि मुझे बस ये टेंशन थी कि टाइम खत्म हो रहा है मेरे एंड पे बहुत, प्लीज कम मत लिखिएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। इस लिहाज से वही एंड पे बात आती है आपकी कहानी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या कहानी लिखी। मैं बहुत पैनिक हो गई थी और उस पैनिक की वजह से कुछ मिस्टेक्स मेरे से हुई थी, अगर वो ना होती तो मैं 8.5 तक भी सकती थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपलोड करने लगी हूँ एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो कि प्लीज़ आर्ट्स के ऊपर वीडियो अपलोड कर दें, अपने ट्रिक्स शेयर करें, अपने टिप्स शेयर करें, अपने प्रिपरेशन जो है वो शेयर करें और साथ में अपनी मिस्टेक्स जो हैं वो शेयर करें। एक जो है वो डिटेल्ड वीडियो बना देती हूँ जिसमें सारे टॉपिक्स कवर होंगे और ज़्यादा डिटेल्ड भी नहीं होगी, जो पॉइंट की बात होगी मैंने सिर्फ वही करनी है आप लोगों के साथ। IELTS जो है वो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम होता है जिससे आप लोगों का जो इंग्लिश लेवल है उसको टेस्ट किया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज की, इंग्लैंड, कनाडा, USA जो मेजर कंट्रीज हैं, इनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो आप लोगों ने अगर स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई करना है, आई स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है, मुझे इसके अलावा ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है, आप लोगों को IELTS जो है वो देना ही पड़ता है। दो तरह के IELTS होते हैं, एकेडमिक एंड जनरल IELTS, ठीक है ना। हर कॉलेज की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कितने उनको बैंड्स चाहिए। टोटल IELTS के 9 बैंड्स होते हैं। अच्छा, तो मेरे आए थे IELTS में 7.5 बैंड्स। ये मेरा रिजल्ट है, आप लोग देख लें। मेरा IELTS का टेस्ट पाकिस्तान में 48,000 रुपीज का हुआ था, तो एक ये प्रेशर भी होता है कि फर्स्ट ट्राई में ही सब कुछ करना है। तो मैंने ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट से जाके खुद ही बुक किया था। ये थंबनेल है, मैं एक वीडियो का लगा रही हूँ, आप लोग इनके स्टेप्स को फॉलो करके खुद IELTS का टेस्ट आराम से बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन ही पेमेंट होती है, डेट्स आपको थोड़ी देर मिलती हैं। मैंने जब बुक किया था मुझे उसके 2 मंथ्स बाद की डेट मिली थी। पहले आप लोगों की स्पीकिंग होगी और फिर जाके आप लोगों का जो है ना बाकी 3 जो मॉड्यूल्स हैं उनका टेस्ट होगा। अच्छा, तो स्पीकिंग 20 मिनट्स की होती है और बाकी सब मॉड्यूल्स के लिए 1 और 1 और 1 और 30 मिनट्स इस तरह करके जो है वो टाइम दिया जाता है। मैंने लाहौर में टेस्ट दिया था क्योंकि सरगोधा में इतने अच्छे एग्जाम सेंटर्स नहीं थे। मैंने जो है वो एकेडमी ज्वाइन की थी एक 1 मंथ के लिए ताकि मुझे गाइडेंस मिल सके एक प्रोफेसर से। सरगोधा में जो लॉजिक्स कॉलेज है मैं वहाँ पर गई थी 1 मंथ के लिए। सर उमर के पास मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, आपको बहुत अच्छा गाइड करते हैं, बहुत अच्छे टिप्स दिए। सबसे पहले वही दिए जो मुझे यूट्यूब चैनल पर मिल रहे हैं कि स्लोली स्लोली बोला करें, बहुत फर 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 बोलती हो, तो मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स मेरे से हुई थी, अगर वो ना होती तो मैं 8.5 तक भी आ सकती थी। IELTS के 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे लिसनिंग के ऊपर। अच्छा, लिसनिंग के जो है वो 4 सेक्शंस होते हैं, ठीक है ना। 40 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। शुरू वाले क्वेश्चंस इजी होते हैं, फिर थोड़े से मीडियम क्वेश्चंस होते हैं और फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। लिसनिंग के लिए मेरी जो टिप्स हैं वो यही हैं कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ें, पूरा अटेंटिव होकर आपने पेपर देना है। आपको जब हेडफोन्स दिए जाते हैं, आपने लोगों ने जब आप टेस्ट देते हैं आपका हेडफोन्स लगाए जाते हैं, उसके अंदर ना आवाज़ आती है कि ये आपका क्वेश्चन, मतलब बोला जाता है आपने आंसर करना होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोगों ने ना बहुत अटेंटिवली सुनना है, पैनिक नहीं होना। मैं बहुत पैनिक हो गई थी और उस पैनिक की वजह से मेरे 4 से 5 पॉइंट्स कट गए थे लिसनिंग में, ठीक है। तो पैनिक आप लोगों ने बिल्कुल नहीं होना। जब आप लोगों को हेडफोन्स लगा दिए तो भाई अगर आवाज़ नहीं आ रही तो फ़ौरन ऐसे हाथ ऊपर करके कंप्लेन करें, ठीक है ना। आप लोगों ने पे किया है, आप लोगों को एक ही दफ़ा में टेस्ट जो है वो क्लियर करना है, क्योंकि 50,000 पाकिस्तानी बहुत बड़ी रकम होती है, ठीक है। एक तो पूरा सेंटेंस सुनना है, कभी भी फ़ौरन आंसर नहीं लिखते ना, पूरा सेंटेंस सुनना है, क्योंकि आधा सेंटेंस बोल के ना अगले सेंटेंस में बात ही कुछ अलग हो जाती है, ठीक है। कैपिटल लेटर्स में आप आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पेपर शीट पे आंसर्स लिखने होते हैं और फिर आप उसको ट्रांसफर करते हैं, उसके लिए आपको 10 मिनट्स मिल जाते हैं। टाइम बहुत होता है लिसनिंग के लिए, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है आप लोगों ने। अच्छा, मैंने कुछ गलतियां की थी, वो गलती ये की थी कि मैं पैनिक हो गई थी, ठीक है, जाहिर है मेरे पे प्रेशर था, पहली बात। दूसरी बात ये कि ना कॉलम मैच करना था कि कुछ लोग थे उन्होंने ना क्या क्या सर्टन बातें की थी, तो एक बंदे की बात ना मेरे से मिस हो गई। अब मेरा ध्यान उसी की तरफ था, उस बंदे ने क्या बात की थी, फिर मेरे से बाकी सबकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। आपको पता है कि दफ़ा रिकॉर्डिंग प्ले होती है और बस फिर मेरा सीन ख़त्म, मेरा सारा ही वो कॉलम गलत हो गया था। और वही कॉलम गलत हुआ था, हालांकि जब मैं कॉलेज जाती थी सर उमर के पास, मेरे 9 से कभी बैंड्स कम आए ही नहीं थे, 9, 8.5, 9, 8.5।
मेरी लिस्टिंग बहुत अच्छी है। अभी भी मेरी फ्रेंड्स पूछ रही थी कि कॉलेज में सारे इंग्लिश में बोलते हैं, तो मैं कहती थी हाँ मेरी लिस्टिंग अच्छी है। सबसे पहले ये कि मुझे बचपन से आदत है इंग्लिश मूवीज़ देखने की। हम कजन्स जब भी इकट्ठे होते थे खाला लोगों के घर, हम इंग्लिश में ही मूवीज़ देखते थे। और फिर उधर से ही मुझे आदत पड़ गई थी इंग्लिश सॉन्ग सुनने की, फिर मैंने इंग्लिश में ही हमेशा गाने सुने। अच्छा अब मैं मतलब जब मेरा ये आइट्स का भी था तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती थी इंग्लिश गाने सुनना, इंग्लिश ड्रामास देखना। हालांकि ड्रामे तो मैं कोरियन में देखती थी और इंग्लिश पढ़ती थी, लेकिन फिर भी मेरी लिसनिंग इम्प्रूव हो रही थी। अच्छा और साथ में न्यूज़ आप सुन सकते हैं, मैंने एक दिन भी नहीं सुनी। अगर आप लोगों को शौक है तो आप लोग न्यूज़ सुन सकते हैं, न्यूज़ से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। पॉडकास्ट वगैरह आप सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरह जो है वो लिसनिंग की तैयारी कर सकते हैं। आप लोग जो कैम्ब्रिज की बुक्स होती हैं, बुक वन से आई गेस 18 तक हैं, मुझे नहीं पता कितनी हो गई हैं, उधर से आप उनको उनमें से कुछ जो है वो बाय कर लें और उसमें से आप टेस्ट वगैरह जो है वो दे दें। कोशिश करें कि अगर आप लोगों के लिसनिंग में अच्छे आ रहे हैं बैंड्स प्रैक्टिस करके, 8 आ रहे हैं, 8.5 आ रहे हैं, 7.5 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, तो फिर ज़रूरत नहीं है आप लोगों को रोज़ की रोज़ लिसनिंग करने की। सिर्फ टेस्ट से एक हफ्ता पहले कर लें। एक दो मॉक टेस्ट ज़रूर दें कि एक टाइमर लगा के प्रॉपर खुद एक प्रेशर सिचुएशन में बैठ के जो है वो टेस्ट आप लोग दे दें, ठीक है। उस बस पैनिक नहीं होना, अगर एक पॉइंट मिस हो जाता है उसको छोड़ दें, उसके लिए बाकी ख़राब ना करें। मेरी वाली गलती मत कीजिएगा कि 5 नंबर अपने कटवा दें, बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं ये। मतलब मेरे 34 मार्क्स आए थे, अगर मतलब मैं 5 होते तो ज़ाहिर है मेरे 9 बैंड आने थे लिसनिंग में। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमने बात करनी है अब स्पीकिंग के ऊपर। स्पीकिंग जो है उसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। अगर आप लोग नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं हैं, जैसे हम लोग नहीं हैं, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, तो फिर हमें स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। हम अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं अगर हम लोग जाके प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं देते। जैसे मैंने कभी कोई स्कूल कॉलेज में प्रेजेंटेशन नहीं दी थी, तो हम लोगों को स्पीकिंग में जो है ना प्रॉब्लम आ सकती है। स्पीकिंग में 3 चीज़ें देखी जाती हैं कि एक आप कितना फ्लो में बोल रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली बोल रहे हैं। सेकेंड आप कितना ज़्यादा हेजिटेट और वो पॉज ले रहे हैं, कि जैसे अगर आप बोलते हैं इस तरह करके जो हम बोलते हैं ना, एक अगर हम इंग्लिश सेंटेंस बोलें और उसमें हम करें, ये चीज़ें आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कटवाती हैं। अगर आप इस तरह होगा तो फिर आप लोगों के 6 और 6.5 से ऊपर नहीं आएंगे, बहुत कंटिन्यूसली बोलना होता है। मेरे 7.5 बैंड्स आए थे स्पीकिंग में। मेरा मशवरा यही है कि सिंपल रखें, इतना कॉम्प्लेक्स लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बस बहुत कोई एडवांस लेवल की वोकैबुलरी हम यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही कोई एडवांस ग्रामर के जो हम रूल्स हैं उनको अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि पार्ट वन में आप लोगों का एक जनरल जो है वो हालचाल पूछा जाता है कि आप कैसे हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप लोगों को फ्री टाइम में क्या करना पसंद है, आपका नाम क्या है, आप किधर रहते हैं, आपका जो एरिया है उसमें आपको क्या पसंद है, आपको अपनी सब्जेक्ट्स के बारे में क्या पसंद है। जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर वो पास्ट टेंस में पूछ रहे हैं तो कोशिश करें जिस टेंस में वो पूछ रहे हैं उसी टेंस में जवाब दें, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, जो भी है, ठीक है। जो सेकेंड पार्ट होता है उसमें आपको इंटरव्यूअर जो है वो एक कार्ड देता है, आपने उसको पिक करना होता है। कोई टॉपिक होता है किसी इवेंट के ऊपर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, किसी पर्सनैलिटी के ऊपर, कोई जनरल टॉपिक हो सकता है जिसके ऊपर आपने 2 से 3 मिनट की जो है कॉन्टिन्यूसली एक डिबेट करनी होती है, ठीक है। अब उसके लिए आपको पहले प्रिपरेशन के लिए 1 मिनट दिया जाता है, कि आपको एक पेपर और पेन दे दिया जाता है, आप कुछ की पॉइंट्स हैं उसके ऊपर लिख लें। अब ये नहीं है कि आपने पूरे पूरे सेंटेंसेस लिख लेने हैं, नो, आपने कुछ की पॉइंट्स लिखने हैं। सपोज करें अगर आपसे वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान 1947 में बना था, तो इसके ऊपर कुछ अब आप पॉइंट्स लिखें कि पाकिस्तान कैसे बना था। फिर आप लोग जो है ना उसको लिखना शुरू कर देंगे, कायदे आजम ने बनाया, इस तरह पार्टीशन हुई, पार्टीशन के बाद ये हुआ, इतने प्रोविंसेस बने। मैं एक जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि वैसे ये पूछा जाएगा, लेकिन एक जनरल एग्जाम्पल है, ठीक है। और थर्ड जो पार्ट होता है उसमें जो सेकेंड पार्ट होता है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, आपने 2 से 3 लाइंस में उसका जवाब देना होता है। एग्जामिनर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहानी सुना रहे हैं, उन्होंने सिर्फ आपकी ग्रामर देखनी है, आपकी प्रोनंसिएशन देखनी है, आपकी हेजिटेशन देखनी है। मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि अच्छे ग्रामेटिकल टेंसेज जो है वो यूज़ करें, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेज यूज़ करें। थोड़े कॉम्प्लेक्स ग्रामर सेंटेंसेज अगर आप यूज़ करेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है, अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स और वोकैबुलरी और एक्सप्रेशंस, थोड़े से इडियम्स और फ्रेजेस जो हैं वो याद करके जाएं। ज़्यादा कोई बहुत ही ज़्यादा रटा रटाया सबक नहीं पढ़ के जाना कि जी मैंने एक बुक ली और उसको मैं रट रही हूँ बैठ के, और अब वो उसने मेरे से सवाल पूछा तो क्रैमिंग करना आप स्टार्ट कर दें। प्लीज़ ये काम मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट आता है आपके स्कोर के ऊपर। ये कुछ वीडियोज़ हैं, आप इनको देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप लोग इनको देखते हैं तो बहुत आइडिया हो जाता है कि हमने स्पीकिंग में जो है वो कैसे बोलना है, स्पीकिंग का टेस्ट क्या होता है। अब मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये था कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं। मैंने बोला
अब मैं सोचती रही, मैंने ना अब इतना सोचने का भी टाइम नहीं लेना था, थोड़ा सा आप ले सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि 10 मिनट उधर ही बैठे रहें कि भैया मैं सोच लूँ कि मैं फ्री टाइम में क्या करती हूँ। आप लोगों के माइंड में जो भी पहली बात आए बोल दें, क्योंकि उसने आपकी ग्रामर देखनी है, कहानी नहीं सुननी। मैंने कहा कि मैं फ्री टाइम में अपनी मामा के साथ शॉपिंग पे चली जाती हूँ। मैंने अब ये इस बात की सेंस तो नहीं बनती, जाहिर है मैं रोज़ तो शॉपिंग पे नहीं जाती, लेकिन उसने वो खुश थी मेरा सवाल सुन के, जवाब सुन के, मतलब शी वॉज़ हैप्पी। दो तरह के ये होते हैं टेस्ट, वीडियो कॉल भी हो सकता है, इन पर्सन भी हो सकता है। मेरा वीडियो कॉल पे हुआ था, लेकिन मैं लाहौर ही गई थी और लाहौर जाकर वीडियो कॉल में 20 मिनट्स का टेस्ट था और मैंने दिया था, और बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्टनेस थी हर लिहाज से, आईडी की चेकिंग के लिहाज से और टेस्ट के लिहाज से भी। ठीक है, फिर आप मेरे से जो डिबेट का टॉपिक था वो मुझे सीरियसली भूल गया। आपकी हॉबी क्या है? अब आप लोगों की हॉबी कोई नहीं है, सोना है हॉबी, जैसे मेरी हॉबी सोना है, तो आप लोग जो है कह दें कि मेरी हॉबी गार्डनिंग है, फिर गार्डनिंग के ऊपर हमने इतने ऐसे लिखे हुए होते हैं, कोई ना कोई, हम पाकिस्तानी वहाँ तो इतने क्रिएटिव हैं, हम एशियंस इतने क्रिएटिव हैं कि हम लोग तो झट में कोई कहानी बना लेंगे। लोग स्पीकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, मिरर के आगे खड़े हो जाएं अगर आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, या अपने छोटे बहन भाइयों को कह दें कि आप उनके साथ 2-3 मिनट किसी टॉपिक पे बात करें, अपने पेरेंट्स से कहें उनके साथ बात करें, उनसे कहें आपका मॉक टेस्ट लें, उनसे कहें आपका टेस्ट लें, आपसे जनरल सवाल पूछें। अगर फिर भी कोई ऑप्शन नहीं बचता, फिर अपना जो है उसको रिकॉर्ड कर लें और फिर एंड पे बैठ के सुनें कि मेरी क्या क्या गलतियाँ हैं, मैं कहाँ से इम्प्रूव जो है वो कर सकती हूँ। मेरी स्पीड बहुत तेज़ है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी इतनी क्रैमिंग की है, इतनी क्रैमिंग की है, तो एक हैबिट बन गई है। सराई स्कूल में बहुत रट्टा लगवाया जाता है, आप लोगों को इस बात का पता है, तो बस तेज़ मैं इस वजह से बोलती हूँ। थर्ड पे जो है वो आती है राइटिंग। राइटिंग के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को ग्राफ दिए जाते हैं, पाई चार्ट्स दिए जाते हैं, कॉलम्स वगैरह दिए जाते हैं, आपने अपनी वर्डिंग में जो होता है उसको एक्सप्लेन करना होता है, सारा डाटा गिवन होता है, सिर्फ आपने थोड़ा सा उसको रिफ्रेश करना होता है, अपनी वर्डिंग में लिखना होता है। जो सेकंड पार्ट होता है उसकी वेटेज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट पार्ट। उसमें आप लोगों को कोई एक टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर आपने 250 से 350 वर्ड्स का आइडियस होता है, ऐसे लिखना होता है। आप लोगों को कोई मतलब कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपने एक ऐसे टाइप लिखना होता है, कोई डिस्कशन वगैरह, मतलब एक अच्छी सी आपने जो है उस टॉपिक के ऊपर बात करनी होती है। मेरा जो था वो था कि मैं किन सेलिब्रिटीज से इन्फ्लुएंस्ड हूँ सोशल मीडिया पर, और मैं किन को फॉलो करती हूँ, और क्या मतलब मुझे पसंद है। तो मेरे माइंड में जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे जिनसे मैं हर लिहाज से, मतलब शाहरुख खान के बारे में लिखा, विराट कोहली, बाबर आजम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बीटीएस, इन सब के ऊपर मैंने लिखा कि इन लोगों को मैं देखती हूँ। वही एंड पे बात आती है, आपकी कहानी से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या कहानी लिखी है, उनको फ़र्क पड़ता है आपके ग्रामर से, आपकी पंचुएशन से, आपके टेंसेस से, और आपने आपके स्पेलिंग्स से। इन चीज़ों के ऊपर आपने राइटिंग में फोकस करना है, जितनी आपको लिमिट दी गई है उतने के ऊपर आपने ऐसे लिखना है। 250 वर्ड्स हैं तो 250 ही लिखने हैं, उससे ज़्यादा हो सकते हैं प्लीज़ कम मत लिखिएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। इस लिहाज से राइटिंग के लिए आपको शीट्स जो हैं वो भी मिल जाती हैं। 20 मिनट्स में राइटिंग का सेक्शन 1 करें और बाकी 40 मिनट्स में आप राइटिंग का सेक्शन 2 करें। आपने खुद टाइम डिवाइड करना होता है, क्योंकि जो सेक्शन 2 है उसका मार्क्स ज़्यादा होते हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। सेक्शन 1 भी जाहिर है इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो 15-20 मिनट में हो जाता है। ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट ज़्यादा कॉमन होता है, और कॉलम्स होते हैं, उसके ऊपर आप लोगों को जो है ना, आप लोगों को डेटा दिया होता है, आपने अपनी वर्डिंग में उसको लिखना होता है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, आराम से आप लोगों का वो भी काम हो जाएगा। राइटिंग में कंक्लूजन जो है उसको ज़रूर आप लोग लिखा करें एंड पे। राइटिंग स्टार्ट भी बहुत एक प्रोफेशनल उसका स्टार्ट लेना है, कंक्लूजन लिखनी है अच्छे से, फ्रेजेस, वर्ब्स, ईडियम्स, थोड़े बहुत रेफरेंसेस याद करके जाएं। अगर कोवर्ड्स आते हैं आप लोगों को तो ज़रूर कोई ना 2-4 कोवर्ड्स लिखते हैं, अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। राइटिंग भी अच्छी करनी है, लिखाई भी अच्छी रखनी है, एक्स्ट्रा शीट्स मिल जाएंगी, उसके लिए आप लोगों ने परेशानी नहीं लेनी है, वो आप लोगों को मिल जाती हैं। और बाकी राइटिंग इस कंपैरेटिवली मुझे इजी लगती है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे 11th, 12th, 9th, 10th में हम लोगों को ऐसे लिखने की आदत होती है, और हम लोग ऐसे ऐसे लिखते रहते हैं, तो हम लोगों को इतना ऐसे राइटिंग इतना मुश्किल नहीं लगता है। आप लोगों की अपनी क्रिएटिव राइटिंग होती है, सराई में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था इस चीज़ के ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लास्ट पे हम बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग डिफिकल्ट होती है, टेक्निकल होती है, आप लोगों को रीडिंग में थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो स्किल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ पढ़ाई करनी है, रीडिंग ही करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो थोड़ा सा एग्जाम्स होता है ना कंपैरेटिवली बाकियों से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता। 60 मिनट्स होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन पे आप लोगों ने 20 मिनट्स लगाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाने। पैराग्राफ्स होते हैं उसके बाद एंड पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो क्वेश्चंस होते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं,
कॉलम्स हो सकते हैं, हेडिंग्स हो सकती हैं या कुछ और भी हो सकता है। आप लोग यहाँ पे देख लेंगे किस तरह के जो है वो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे। रीडिंग में जो होता है ना वो तीन टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले ये होती है कि आप डिटेल से एक एक लफ्ज़ पढ़ लें अगर आप लोगों के पास इतना टाइम है, अगर आप लोगों को लगता है। कुछ लोग होते हैं कि वो पहले पूरा पैसेज पढ़ते हैं आराम से तसल्ली से और फिर जाके सवाल का एंड पे जवाब देते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। फिर होता है स्कैनिंग कि आप एक ऐसे देखें कि अच्छा अच्छा ये इस पैराग्राफ में ये है। अच्छा, सबसे पहले रीडिंग में ना आपने कीवर्ड ढूंढना होता है। हर पैराग्राफ में एक ना एक कीवर्ड होता है। ऑर्डर वाइज पैराग्राफ ज़्यादातर ऑर्डर वाइज ही होते हैं, 99.9%। आप लोगों ने हर पैराग्राफ में एक एक कीवर्ड ढूंढना होता है, उसको लोकेट करना है, आप उसको अंडरलाइन कर लें। फिर जब आप लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को पता होगा कि ये एक कीवर्ड था, मैंने यहाँ पे पढ़ा था। नेक्स्ट टेक्निक होती है स्किमिंग। स्किमिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं कि एक सरसरी सी निगाह डाली, आपके माइंड में एक आइडिया आ गया कि ये होता है, फिर एंड पे गया क्वेश्चंस पढ़ा, फिर आप लोग क्वेश्चंस के लिहाज से, फिर आप लोगों ने कीवर्ड अगर अंडरलाइन किए हुए होते हैं तो फिर आप लोग फौरन जो है वो उसका एक पैराग्राफ लोकेट करके अच्छी तरह उसको पढ़े और आंसर ढूंढ लें। हर एक की अपनी टेक्निक है रीडिंग करने की। कुछ लोग पहले पैसेज पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कुछ पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं और फिर पैसेजेस पढ़ते हैं। मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ती थी और फिर पैसेज पढ़ती थी। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा जो है ना टाइम टेकिंग नहीं होता। आप लोगों की अपनी चॉइस है। सबसे ज़्यादा रीडिंग करते हुए प्रॉब्लम आई थी वो ये थी कि मुझे बस ये टेंशन थी कि टाइम खत्म हो रहा है मेरे एंड पे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रह जाने। वही बात है कि पहले मेरे ख्याल से ईजी होता है, फिर मीडियम होता है, फिर थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो फिर इसी वजह से बस मुझे ये टेंशन लगी हुई थी। मेरा जो मुझे जिसमें स्ट्रगल आती थी ना वो आती थी हर जो पैराग्राफ होता है ना उसकी हेडिंग बनाने में, क्योंकि हर पैराग्राफ सेम होता था, ज़्यादा से मतलब सेम ही होते थे, थोड़ी बहुत बात डिफरेंट होती थी, टॉपिक तो सेम होता था, तो वो मुझे थोड़ा हेडिंग बनाते हुए प्रॉब्लम आती थी। ट्रू फॉल्स में मतलब होते हैं सबसे ज़्यादा आते हैं, ट्रू है तो बात अगर लिखी हुई एज इट इज़ तो ट्रू है, नहीं लिखी हुई तो फॉल्स है, और अगर जो है वो मेंशन ही नहीं है तो नॉट गिवन है, ठीक है ना। फिर इस तरह आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकती हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स ईजी होती हैं। आप लोगों को पैराग्राफ लोकेट करना आता है कि ये ए पैराग्राफ है, इसमें किस बारे में बात हुई है, बी में किस बारे में बात हुई है। तो बस ये टिप्स होते हैं रीडिंग के लिए। और मैं कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कैम्ब्रिज की जो बुक्स हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस करें, ऑनलाइन टेस्ट जो है वो देखें, सॉल्व करें। ऑनलाइन भी कोर्सेज होते हैं अगर आप लोग करना चाहें, कुछ लेक्चर्स होते हैं आप उनको ज्वाइन कर लें अगर आप लोग इन पर्सन नहीं जाना चाहते। मैंने प्रोफेसर की गाइडेंस इसलिए ली थी ताकि मुझे अपनी गलतियों का पता चले। इतनी फीस भी नहीं थी तो फिर मैं आराम से चली गई थी। आई गेस 13,000 थी 2 मंथ्स की। उसमें आप लोगों को वो मटेरियल भी देते हैं, आप लोगों को गाइड भी करते हैं, तो फिर मैं उधर चली गई थी। बट अच्छा उन्होंने मुझे गाइडेंस दे दिया था। लेकिन जो एक फ्लॉ था वो ये था कि कॉलेज में जो पढ़ाया जाता था ना, मतलब अकेडमी में जो पढ़ाया गया था वो बहुत ईजी था, टेस्ट जो था उसके कंपेरेटिवली मुश्किल था। तो मुझे लगता है कि हमें प्रैक्टिस जो है ना डिफिकल्ट क्वेश्चंस की ही करनी चाहिए, थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ों की करनी चाहिए। ज़्यादा इजी टेस्ट की प्रैक्टिस आप मत करें, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा आसान पेपर भी आ सकता है। अगर स्पीकिंग में मार्क्स कम आ गए हैं तो मुझे नहीं पता कि अब आप अगर सिर्फ एक बैंड में एक चीज़ में कम आए तो आप एक ही पेपर दोबारा दे दें। मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है। मैंने सुना तो था कि कहीं पर ये अपडेट आई है, अगर नहीं है तो फिर आप लोगों को सारा दोबारा देना पड़ेगा। मैंने भी बहुत एक ऑनेस्ट जो है वो वीडियो बनाई आइट्स के ऊपर। बस वही बात है, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। थोड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों को इंग्लिश में तो आप लोग फिर अपने बेसिक टेंसेस से स्टार्ट करें, ठीक है ना। ग्रामर के रूल से स्टार्ट करें, नाउन प्रोवर्ब्स एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स इन चीज़ों से स्टार्ट करें। थोड़ी अच्छी अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करें, वोकैबुलरी बहुत मैटर करती है, ठीक है ना। अपनी प्रोनंसिएशन स्ट्रॉन्ग करें, अपनी पंक्चुएशन जो है राइटिंग के लिए उसको स्ट्रॉन्ग करें, अपने जो रीडिंग के स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करें। तो इंशाल्लाह आप लोगों का आइट्स भी फिर जो है वो क्लियर हो ही जाता है, इंशाल्लाह हो ही जाएगा। मैंने जो टिप्स दी हैं बहुत हेल्पफुल हैं। बहुत ज़्यादा मैंने नेट कोई मैं बना बना के कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं कही कि जी ये एक लिस्ट है आपने ये याद कर लेनी है, ये नहीं आपने की तो फिर आप लोगों के नंबर नहीं आने। 7.5 बैंड्स आर मोर देन इनफ फॉर अस। अब ज़्यादातर यही होता है। गुरसाहिब सिंह कनाडा आप लोगों को पता होगा, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, वो जब कनाडा पढ़ने के लिए गए थे उनके 7.55, फिर उन्होंने अपने किसी और के लिए अप्लाई किया तो उनके 8.55, और फिर जब उन्होंने पीआर के लिए आईटीएस दिया तो उनके 9 बैंड्स आए या 8.55 थे। तो मतलब इम्प्रूवमेंट आती ही रहेगी। मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। और बाकी और भी कोई हेल्प चाहिए और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हर मॉड्यूल पे अलग अलग वीडियो बना दूँ, कि एक पूरी सीरीज हो जाए, कि एक लिसनिंग पे बन जाए, एक स्पीकिंग पे, एक राइटिंग पे, एक रीडिंग पे, कमेंट करके बता दें। अगर ढेर सारे कमेंट्स आएंगे तो फिर मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि हर वीक में एक एक वीडियो जो है ना एक एक मॉड्यूल पर डाल दूँ। और बाकी कोई हेल्प चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, जवाब नहीं दे पाती लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ, मेरे माइंड में होता है और फिर कहीं ना कहीं मैं उसको कवर कर देती हूँ, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को ये आइट्स की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मेरे एक जनरल टिप्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं।
मिलूंगी मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।